still drive me crazy. Hey. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, तो मेरी कोशिश रहने वाली है आज मेरे क्लॉजेट को क्लीन करने की। काफ़ी दिन से मैं करना चाह रही हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि जब हम गर्मियों में होते हैं तो पहनने के लिए हमें गर्मियों वाले कपड़े कम नहीं मिलते हैं और सर्दियों वाले कपड़ों पर ज़्यादा हाथ जाता है और सोते हो ये तो मैं आज पहन नहीं सकती हूँ। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो वो सर्दियाँ वाले कपड़े गायब हो जाते हैं जो आपको गर्मियों में दिख रहे थे और आप सोच रहे थे ओ मैं ये पहनूँगी ये पहनूँगी, सो अचानक से वो सारे कपड़े गायब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होने वाली है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज करूं क्योंकि मैं अपने तैयार होने पे ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करती हूँ आजकल। मैं चाहती हूँ कि करूं कि जब आप तैयार होते हैं अच्छा फील करते हैं। अगली चीज़ है कि मैंने कल व्लॉग बनाने की कोशिश की थी, कल या फ्राइडे था या इसी, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हमारे जो नेबर्स हैं हमारे डोर पर फूड छोड़ देते हैं, जिसको लेके मैं थोड़ी हैरान हो जाती हूँ कि लाइक वाट। आपके साथ मैं वो क्लिप शेयर करती हूँ, जल्दी से देख के आए, देन आप बताएं मुझे कि आपके क्या विचार हैं। ऑलराइट, सो आई एम फिल्मिंग ऑन माई न्यू कैमरा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू गाइज माइट गोना हेयर दिस 1000 million टाइम्स। एक्चुअली मैं लैपटॉप अपस्टेयर्स लेके गई थी और लेके आई हूँ और आज मुझे कुछ शेयर करना है आपसे। व्हाई आई एम टेकिंग यू गाइज आउटसाइड टू शो यू समथिंग। गाइज लुक एट दिस बैग। ये बैग में कुछ फ्रूट्स हैं एंड कुछ आलतू फालतू चीज़ें होंगी पता नहीं। इसको हैंडल के साथ बांधा गया है और ये हमारे नेबर्स ने रखा है यहाँ पे। वो बहुत बार ऐसे करते हैं कि बिना बताए हमारे यहाँ पे ऐसे चीज़ हैंग करके चले जाते हैं। मैंने उनको कहा भी था कि ऐसे मत करो बट उन्होंने फिर कर दिया है, अब मैं क्या करूं? ऑलराइट, तो उसमें लेटर भी है, उसमें लिखा है डेयर नाइस नेबर, हैप्पी मिड ऑटम फेस्टिवल 2020, प्लीज इंजॉय चाइनीज मून केक, विश योर फैमिली ऑल द बेस्ट, हेल्दी एंड हैप्पी। मे बी ये बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं, डेफिनेटली होंगे, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि बिना हेलो हाय बोले आप यहाँ पे। उनके घर का नंबर लिखा है और वो मैंने रिमूव कर दिया है। और राइट दोस्तों, तो वो हमेशा ऐसे करते हैं लाइक ये कुछ महीने उन्होंने ऐसे नहीं किया बट बहुत बार ऐसे करते हैं कि वो चीज़ें बाहर हैंग करके चले जाते हैं और मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। आपको पड़ोसियों को चीज़ें देनी है डेफिनेटली दें, पर उनके चेहरे पे दें, लाइक उनको मिल के दें, उनको ग्रीट करके दें, या यू नो ऐसे ऐसे बाहर लटका के चले जाना मुझे नहीं अच्छा लगा। पास में भी उन्होंने ऐसे बहुत बार किया है, मैंने एक दो बार उनको समझाने की कोशिश भी की पर उनको मेरी लैंग्वेज इतनी आसानी से समझ ही नहीं लगती, शायद वो या कर देती हैं। एंड बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं हिम्मत को स्कूल बस में छोड़ने के लिए जा रही थी एंड सुबह ही लाइक स्कूल बस में छोड़ने के लिए जाती थी मैं 8 बजे और 8 बजे से पहले ही बाहर कई बार हैंग करके रखा होता है। इतनी अर्ली कोई किसी को फ्रूट्स क्यों देगा? आई डोंट नो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अब मुझे उनसे दोबारा से बात करनी पड़ेगी कि अगर आपको मुझे कुछ देना है तो प्लीज़ एटलीस्ट नॉक करें, मुझे हेलो हाय बोलें और मेरे हैंड्स में हैंड ओवर करें, ऐसे मत लगा के जाएं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो अब तो आप ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से शायद वो मुझे ऐसे ऐसे फेस टू फेस नहीं करना चाहती होंगी बट पहले भी वो ऐसे करती थी। सो या दैट्स दैट। हिम्मत नहा रहा है अपस्टेयर्स, उसको मैं ड्राई ड्रोई करके कपड़े चेंज करके आती हूँ एंड देन वील टॉक। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू कैमरा, मैंने पहले भी बता दिया है। ओके बाय। ओके दोस्तों, सो आज है फ्राइडे, आज हम बनाने वाले हैं पकौड़े। बिकेज पकौड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते बट आज बाहर बारिश हो रही तो हमें पकौड़े खाए। ऑलराइट दोस्तों, सो मैंने लिया है नया कैमरा और अभी मुझे पता नहीं है कि इसे मैं कैसे कैसे यूज़ करूँ।
पहले मेरा विचार था कि जो मेरा कैमरा ख़राब हुआ है सेम ही मैं दूसरा ले लूँ, पर देन मुझे लगा कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए, जो उससे बेटर है वो लूँ। सो अब थोड़ा समय लगेगा मुझे इस पर फैमिलियर होने में कि कैसे क्या क्या करूँ मैं। तो अगर आपको ये आज की वीडियो थोड़ी अजीब लगेगी या अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे बताना। और अगली चीज़ है कि काफ़ी समय पहले मैंने पाव भाजी बनाई थी, 20-25 डेज पहले, और मैंने उसकी रेसिपी भी शूट की थी लाइक बहुत ही ईजी तरीके से जैसे मैं करती हूँ क्विकली, और मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने आपसे पूछा था कि पाव भाजी की रेसिपी शेयर करूँ या लज़ानिया की, आपने लज़ानिया चूज़ किया और बहुत सारे दोस्तों ने लज़ानिया ट्राई भी किया और उनको वो लज़ानिया अच्छा भी लगा, थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको ये पाव भाजी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि घर में कई बार होता है कि हमारे थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी होती हैं तो उससे आप पाव भाजी बना सकते हैं जो बहुत डिलीशियस बनती है। सो उसकी रेसिपी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे चैनल पर, और या जल्दी से रेसिपी को देख लें दोस्तों। और इट प्यारे दोस्तों, सो पाव भाजी बनाने के लिए मैं सब्जियाँ यूज़ कर रही हूँ, वो है आलू, बीन्स, गाजर एंड जुकीनी। अगर आप ग्रीन कद्दू यूज़ कर सकते हैं, बैंगन एंड पेपर्स। वैसे मैं शिमला मिर्ची यूज़ करती हूँ पर आज मेरे पास यही वाली पेपर्स है, मैं यही यूज़ कर लूँगी। एंड ऑल्सो गोभी, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं सब्जियों को अच्छी तरह धो लूँगी, देन छीलने वाली को छील लेंगे, लाइक आलू को छील लूँगी, गाजर को छील लूँगी, और उसके बाद हम इसको रफली काट लेंगे। अगर आप सभी का साइज़ इवनली रखेंगे तो एक ही दम सब कुक हो जाएगा, पर चिंता ना करें क्योंकि एंड में हमें इन्हें मैश ही करना है, तो रफली इनको काट लें। सब्जियों को काटने के बाद मैं इसमें थोड़े से फ्रोज़न पीस भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी प्रेशर कुकर और उसमें ये सारी सब्जियाँ ऐड करूँगी, और ऑल्सो ऐड करूँगी सीजनिंग, सॉल्ट करूँगी, पेपर करूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड हल्दी, क्योंकि अदरवाइज रंग बहुत ही अजीब लगने वाला है। और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, लाइक अराउंड 1 कप, और इसे हम लगा लेंगे सीटियाँ, एक दो सीटियों में ही ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगी। और उसके बाद जब हम इसे खोलेंगे सब्जियां कुछ इस तरह की दिखेंगी। और अब बारी आती है इसको मैश करने की, पोटैटो मैशर है इसी से मैं इसको मैश कर देती हूँ। और वंस मैं हैप्पी हूँ उससे, अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के में सिर्फ मैं 3 चीज़ें ही ऐड करती हूँ, ग्रीन चिल्ली, टमाटर खूब सारे एंड अनियन। अब अनियन को मैंने फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह प्रोसेस कर लिया है, मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल कुक करने के लिए, और उसमें मैं ऐड करूँगी अनियन। अनियन थोड़ा जल्दी से कुक हो जाए इस वजह से मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। जब अनियन अच्छी तरह कुक हो जाते हैं, तेल छोड़ देते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद हम टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे, और अब इसको अच्छी तरह मैं कुक कर लूँगी, तब तक कुक करूँगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। और मसाले के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाव भाजी मसाला, इसके मैं 1 बड़ा टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरफ मैं धनिया काट रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा धनिया जाता है और मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी में। अब वंस मेरा मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब मैंने जो सब्जियों को मैश किया है वो सारी सब्जियां मैं इसमें ऐड कर दूंगी एंड हम इसको कुक होने देंगे। और अब मैं इसमें बड़ी सी क्यूब एक बटर की डाल रही हूँ क्योंकि बटर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और बिकेस मुझे इसका कलर थोड़ा ऑरेंज ही चाहिए तो मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ, ऑरेंज, डीप ऑरेंज, और इसको मिक्स कर लेंगे।
पावा जी के साथ मुझे बहुत ही अच्छा बारीक स्लाइस्ड अनियन बहुत अच्छा लगता है लाइम के साथ एंड धनिया के साथ. सो मैं एक अच्छा रेड अनियन ले रही हूँ, उसको बहुत प्यार से बहुत बारीक स्लाइस किया जा रहा है और लाइम यूज करूंगी, लेमन नहीं, मुझे लाइम ज्यादा अच्छा लगता है. एंड मैंने बटर की क्यूब्स भी काट ली हैं ताकि मैं उससे गार्निश कर पाऊँ मेरी प्लेट को. अब मैं इसको साइड पे कर रही हूँ एंड धनिया ऐड कर दिया है मैंने भाजी में. और अब हम करेंगे पाव को गरम मस्का मार के. और आप जितना मक्खन लगाना चाहते हैं लगाएं, क्योंकि जितना मक्खन होगा उतना ही ज़्यादा डिलीशियस होगा. और सेहत का ध्यान रखते हुए अपने हिसाब से मक्खन लगाएं और गरम करें और सर्व करें. मैं प्लेट की साइड में ही भाजी को डालती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगती है. मुझे प्रेजेंटेशन की थोड़ी ज़्यादा चिंता रहती है कि मेरी चीज़ें अच्छी दिखती हूँ. आई एम नॉट श्योर कि अगर ये अच्छी दिख ही रही है या नहीं, आप बताना. सो मैं डाल रही हूँ भाजी प्लेट में हस्बैंड के लिए. इसके साथ रखे जाएंगे ये टोस्टेड से पाव. एंड देन मैं उसमें बटर ऐड कर रही हूँ, जितना बटर ऐड करोगे उतना ही डिलीशियस बनेगा. और ये लच्छेदार अनियन सैलेड, थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल किया जाएगा एंड ऑल्सो लाइम रख दूंगी मैं साइड पे. सो यस, हमारी डिलीशियस पाव भाजी रेडी है और सर्व किया जाएगा पति को. पति को टेस्ट टेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कह रहे कि मैं मुझे समझ भी नहीं आता कैसे रिएक्ट करूँ, पर या फिर भी हम उनकी रिएक्शन लेंगे. गाइस, दो हस्बैंड अब यूज़ देने के लिए रेडी नहीं इंटरेस्टेड, पर कह रहे क्योंकि बढ़िया ही हुंदा वे. बढ़िया हुंदा, मैं खा के हुन मेरे लिए बढ़िया नॉर्मल. गाइस, हस्बैंड ने भाजी रकड़ी पकड़ दिया है. हां, बहुत बढ़िया है. खादा है नहीं तो बहुत बढ़िया है. यार तू की कर दे. हस्बैंड ने बुर्की पर लिया अंदर जा रहे. और जल्दी करो, बैटरी बांधो ना लिया. हस्बैंड ने फेक रिव्यूज, फेकनेस, सारा नकली, सिर्फ कैमरे ले. असली असली बढ़िया बनिया. बस ऐडा कर दो. मैं नहीं लगा बाहरों के ऐडा दी इंडिया जो सारे इंडिया जो बादी हो. नहीं, सरदार दी पाव भाजी मैं खादी. मुंबई सरदारा दी सरदार है. कॉस्को से मैं बन लेके आती हूँ पाव किस्म के, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत फ्रेश होते हैं. वो एज अ पाव मेरी भाजी के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. सो मैं वो लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि पाव भाजी बनाते हैं. और वैसे भी आजकल जब मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मील प्लान कर लें कि कौन से दिन क्या खाना है. तो फिर इंग्रेडिएंट्स भी मैं वैसे ही खरीदती हूँ, तो मैंने पाव भाजी की इंग्रेडिएंट्स खरीद के रखी थी. और एक और बात बताना चाहती हूँ, कुछ बातें बताना चाहती हूँ. बहुत समय हुआ कि मैंने बातें नहीं की हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय व्लॉग नहीं किया है. बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि मेरे बालों का हेयर कट कौन सा है. अगर आप मुझे लंबे समय से देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं कभी भी बाल कटवाने के लिए नहीं जाती हूँ. पिछले 4 साल से नहीं गई होंगी, 4 या 3+ साल से, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी वो किसी व्लॉग में होगी फुटेज, 2017 या 16 में मैं गई थी. तो उससे मैंने कहा था कि मेरे जो भी बाल ख़राब है वो चॉप कर दो. तो उसने मेरे बाल इतने चॉप कर दिए थे और बहुत छोटे हो गए थे. अगर मुझे पिक्चर मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. सो यार, बहुत परेशान होगी मैं, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बाल लंबे हों. और उसके बाद मैं गई नहीं कितने साल तक. अब मैं बालों को घर पे ही काट लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा डैमेज किस्म के उनको ट्रिम कर देती हूँ. कोशिश करती हूँ कि लेंथ ख़राब ना हो. और कल परसों मैंने अपने आगे वाले बालों को थोड़ा यहाँ तक काट लिया है कि थोड़ा स्टाइल मार पाऊँ मैं. पहले मैं सोच रही थी कि बैंग्स कर लूँ, पर फिर मैंने लगा कि जब मैं बैंग्स कर लेती हूँ तो उसी समय 2-4 घंटे में मैं पछताना शुरू कर देती हूँ और सोचती हूँ कि कब लंबे होंगे. सो आज मैंने सोचा कि छड्डो, हम बैंग्स नहीं करते, या फ्यूचर में मैं कर भी सकती हूँ. और बहुत सारे दोस्तों के मुझे रूमेटॉइड को लेके भी मैसेजेस आते रहते हैं. रूमेटॉइड के लिए जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ वो 1 साल से मैं वही खा रही हूँ. और इस नवंबर में जब मेडिसिन को लेते पूरा 1 साल होने वाला है, तो डॉक्टर सारे टेस्ट दोबारा से कर रही हैं और उसके बाद वो डिसाइड करेंगी कि मेरी मेडिकेशन चेंज करनी है या कंटिन्यू करनी है. तो वो डिसाइड करेंगी. और यस, ये होने वाला है. पर मैं 1 साल से सेम ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा रही हूँ. और यस, उस दवाई ने काफ़ी समय तक असर नहीं किया था, पर 4-5 महीने बाद मेरी हालत बेटर हो गई थी. पर फिर भी मुझे अटैक आते रहते हैं, यू नेवर नो कौन सा दिन कैसा होगा. कोई दिन बहुत अच्छा आता है, कोई नहीं. पर
पहले से काफ़ी बेटर हो गया था, पहले से चीज़ें मूव नहीं होती थी उससे काफ़ी बेटर था, पर अब मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली इस साल में जो मुझे रिलीफ देती हैं, सो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही पाव भाजी की रेसिपी, आई होप आपने इन्जॉय की होगी, और मुझे ये पड़ोसियों की हरकत के बारे में बताना कि आपके क्या विचार हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल वीडियो की रिक्वेस्ट है और स्पेशल बातें मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं तो कमेंट बार में बताना, हम उस पर ज़रूर से काम करेंगे। और मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय लालू।